हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, केमिस्ट्री में हमारा जो अभी तक टॉपिक चल रहा था वो ये था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, और अभी इससे जो पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था वो था सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट नंबर के बाद में हम सिग्निफिकेंट नंबर से ही रिलेटेड कुछ और चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब मैथमेटिकल नंबर्स लिखे होते हैं या मैथमेटिकल डिजिट्स लिखी होती हैं तो उनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है। अब साइंटिफिक वे में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है, तो उसका कारण है कि जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई इस तरीके की बहुत बड़ी डिजिट है, ऐसे करके, तो ये डिजिट जो है इसको हम बार बार ऐसे थोड़ी लिखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे। तो शॉर्टकट में आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, जितनी डिजिट जीरो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये क्या हो जाएगा 1 into 10 to the power 10। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से कैसे लिखा जाता है साइंटिफिक वे में। डिजिट्स जो हैं, जो बहुत बड़ी डिजिट्स हैं, उनको हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि इसके अंदर आगे जाके एक नंबर आएगा जिसको हम बार बार यूज करेंगे, 6.023 × 10⁻²³। ये आएगा, ये एवोगाड्रो नंबर है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन का भार पढ़ोगे 9.1 × 10⁻³¹। इस तरीके से तो ये जो भार आप पढ़ोगे या ये संख्या डिजिट्स जो आप पढ़ोगे तो इनको ऐसे लिखा जाता है, तो अपन को पता होना चाहिए कि ये सब मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको कुछ डेसिमल के बारे में बता दूं कि डेसिमल जो है उसकी जो पोजीशन है उसको कैसे चेंज किया जाता है। तो यहां एक एग्जांपल लेते हैं हम, 40400.0, जैसे मान लिया ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला डेसिमल है, इसको उठा के और यहां लेकर जाना है, यानी कि पॉइंट को हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड में लेकर जाना है, पॉइंट को लेफ्ट साइड में लेकर जाना है। तो देखिए क्या करेंगे, 4 ये यहां पॉइंट लेके आएंगे, 0.04, तो पॉइंट जो है डेसिमल जो है वो कितना आगे चला गया, 4 डिजिट आगे चला गया, इनटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4। यानी कि जब लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, उतनी ही डिजिट आपको 10 टू द पावर में लगा देंगे। ठीक है ना, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 4। दोबारा देख लो, 1, 2, 3, 4, तो यहां हम पॉइंट लेकर आए हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो यहां आएगा और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 0.00004 04। ओके, अब इसमें क्या करना है आपने को, इसको भी ऐसे लिखना है, 4.04 ऐसे लिखना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये रहा पॉइंट, ये रहा, इस पॉइंट को कहां लाना है आपने को, यहां पर लेके आना है, यहां ये 4 और 0 के बीच में लेकर आना है। तो देखिए, यहां से मैं उठा के इसको यहां लाऊंगा, मतलब 4 के और 0 के बीच में लाऊंगा, तो क्या कितने इतने डिजिट इधर लेके आ रहा, 1, 2, 3, 4, 5, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ हो जाएगा। क्लियर, यानी कि लेफ्ट साइड में पॉइंट को लेके गए तो पावर जो है वो प्लस में आएगी, और अगर राइट साइड में आए तो माइनस में आएगी। तो इस तरीके से हमने इसको समझ गए होगे इसको। अब
इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल करवा रहा हूं, वो आपने देख लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखिए, 0.0048 23600 8008 600.0 और 500 ये। तो देखिए अपन इसको करते हैं, ये तो अलग नंबर है, इनको मत काउंट करने का हिसाब में, ये अलग। इसको देखो, इसको लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 4.8 लिखना है, 4.8। तो पॉइंट ये रहा, इसको यहां उठा के लेके आए हम, तो क्या करेंगे, 10 टू द पावर फाइव में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, कितना आ जाएगा, माइनस 3 आएगा, क्लियर। इसको देखो, अब इसमें पॉइंट अपन यहां मान लेते हैं, तो यहां पॉइंट है, तो इसको हमको लिखना है 2.36 की फॉर्म में। तो पॉइंट उठा के कितनी डिजिट चलेगी, 4 डिजिट में चला गया, तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये रहा, इसको लिखते हैं 8.008 की फॉर्म में। तो अगर पॉइंट यहां था तो इसको यहां लेकर गए, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये वाला, इस पॉइंट को यहां लेकर आना है, यानी कि 6.0 लिखना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, उधर लेके गए ना, 2 आएगा। इसमें लिख दो 5.0 लिखना है, इसको 5.00 इंटू 10 टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। एक और देख लो, 783.4, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7.834 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 आएगा। इस तरीके से आपको ये एग्जांपल जो है वो सॉल्व करना है, क्लियर है, इनको आप नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं, ये तो साइंटिफिक नोटेशन था कि भाई कैसे लिखना है साइंटिफिक वे में। अब देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूं, जब सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो देखिए, कैलकुलेशन सिग्निफिकेंट नंबर की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब ये है ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और या फिर उसमें जो है नेगेटिव माइनस करना, तो ये वो सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, तो जस्ट कुछ एग्जांपल ही आपको मैंने बताने हैं। तो देखिए इसके अंदर जैसे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं अपने। सबसे पहले मैं आपको एडिशन का बता देता हूं, एडिशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने ये डिजिट लिखी, इसको ऐड करना है आपने, ओके, इसको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो सबको याद है ऐड करना 246, ठीक है, 7. ये कितना हो गया, 12 हो जाएगा, ये तो सभी के लिए आता है। अब अपने इसका जब आंसर लिखेंगे ना, तो आंसर ये नहीं लिखना आपने, हम इसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ कैसे करना है कि आपको क्या कर देना है, सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर कौन सी डिजिट में है। तो इसके अंदर देखो, अब क्योंकि सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर इसमें है ना, तो हम क्या करेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर पॉइंट के बाद में जो है वो 2 तक ही लिखेंगे इसमें, क्लियर। जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें पॉइंट के बाद में 1 ना, तो पॉइंट के बाद में 1 तक ही आंसर आएगा, तो यहां पर क्या कर देते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12.8 आ जाएगा, मतलब अपन जानते हैं इसको एक ज्यादा कर दिया जाता है, तो इस तरीके से कर देंगे अपन, इसको इंक्रीज कर देंगे, समझ में आया होगा। टोटल करना, टोटल करने के बाद में ये देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किसमें है, तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है, जितने नंबर हैं उनके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। जैसे इसमें देखो, पॉइंट के बाद में 2 है, पॉइंट के बाद में 1 है, पॉइंट के बाद में 2 है, तो हम क्या करेंगे,
क्लियर। चलो तो ये तो एडिशन हो गया, ठीक है। नाम तो मैं और बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। जैसे 12.345 लिखा और यहाँ पर लिखा मैंने 10.13 ऐसे लिखा, ठीक है ना। अब इसको ऐड करो 5, 7, तो यहाँ कितना आया 4, 2, 2 ऐसे आया। आंसर कितना लिख दूँ तो, क्योंकि जो छोटे वाली जो डिजिट है उसके अंदर क्या है सिग्निफिकेंट नंबर 2 ही है पार्ट के बाद में, तो हम आंसर क्या लिखेंगे इसका 22.48 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये कैसे इंक्रीज करते हैं मैं आपको बताऊंगा, ये इसका क्या रूल है मैं आपको बताऊंगा आपको, लेकिन आपको ये सीख लेना है कि पार्ट के बाद में 2 डिजिट तक ही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में एडिशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है सब्सट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट जो है वो है सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में वही रूल जो हमने ऐड में लिया था सेम रूल अप्लाई करना है। तो देखो इसके अंदर इसको माइनस करना है, ठीक कर दो माइनस क्या लिखा है 0, 2, 3, 1, 0 ये आ गया आंसर। अब आप मुझे ये बताओ कि पॉइंट के बाद में इसमें तो 3 डिजिट है, इसमें 2 है सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो हम क्या करेंगे आंसर वाला तो आंसर कौन सा होगा हमारा, तो आंसर में पॉइंट के बाद में कितने आने चाहिए 2 ही आने चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.32 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वही रूल लगेगा। जैसे ये है इसमें देखो सिग्निफिकेंट नंबर 1, 2, 3, 4 यानी कि टोटल कितने हैं 5 हैं और इसमें कितने हैं 2 हैं, क्लियर। मल्टीप्लाई कर दो तो मैंने ये मल्टीप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 0.024332 ये आंसर आ रहा है। अब चेंज कहां करना है हमने, तो देखो चेंज कहां करना है, अभी इसमें देखो पहले कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो ये जीरो तो काउंट ही नहीं होती, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 नंबर है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है एक्चुअल में। हम इसको क्या करेंगे, इसमें 2 डिजिट है ना, 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो अपने आंसर 2 सिग्निफिकेंट नंबर तक लेके आएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.024। अब मुझे इसमें बता दो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 2 ही तो है, तो ये इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें और इसमें क्या हो गए सेम हो गए, यानी कि जो आंसर है वो हमको स्मॉलेस्ट डिजिट के अकॉर्डिंग लिखना है। क्लियर है। लास्ट अब हम देख लेते हैं कि डिवाइड कैसे किया जाता है। तो देखिए डिवाइड के लिए क्या है, डिवीजन, डिवीजन अपॉन 3.76 ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है, आंसर आएगा ये, आंसर ये आएगा। आप समझ गए आप स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी, ये वाली। स्मॉलेस्ट का मतलब कि भाई जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर कम हो, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें कितने हैं 1, 2, 3 है, तो अपने आंसर जो लिखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 3 के अकॉर्डिंग, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1. कितना 3 पे लिखना है ना, तो 1 2 आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको ये लिखना है।
अब मैं आपको राउंड ऑफ बता देता हूं कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, यानी कि राउंड ऑफ का मतलब कि आपको डिजिट का कैसे चेंज करनी है और कैसे नहीं करनी है। तो देखो इसमें कुछ एग्जांपल हैं। फर्स्ट रो देखो भाई 12.06, ठीक है, हालांकि 10th क्लास में ये रूल आपने सीखा होगा। इसको राउंड ऑफ करना है, यानी कि 4 है ये, 4 सिग्निफिकेंट नंबर है, इसको 3 में बदलना है। राउंड ऑफ का मतलब समझ रहे हो ना, 4 को 3 में बदलना है। तो देखो लास्ट वाला देखेंगे अपने, लास्ट वाला अगर 5 से बड़ा है, लास्ट वाला नंबर जो है 5 से बड़ा है, तो हम इधर वाले नंबर में 8 ऐड कर देंगे, यानी कि जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 12.1। क्लियर। दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल ये है कि अगर 5 से छोटी डिजिट हो, यानी कि ये 24.123 जैसे ये है, तो इसमें कितने है 5 सिग्निफिकेंट नंबर, इसके अंदर कितने हो गए 3 रह गए, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 4 5, तो अपने 5 को इसमें कन्वर्ट करेंगे 4 में। तो क्या करेंगे, 5 से छोटा है, देखो ये वाला, ये 5 से छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही बड़ा करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 21.24.12, यानी कि देखो 4 5 से इसमें चेंज हो गया 4 में, 4 से इसमें चेंज हो गया 3 में। क्लियर। अब इसमें लास्ट थर्ड रूल इसके अंदर ये है कि अगर 1.6145, एक तो ये है और दूसरा एग्जांपल है 1.6175, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब इनमें देखो भाई, इसमें देखो दोनों को, दोनों में 5, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट नंबर है और इसमें भी कितने हैं 5 है, तो अब अपने को करना क्या है, दोनों के अंदर 5 नंबर है, क्लियर। तो अब क्या करें, इसको 5 नंबर का क्या करें, दोनों में लास्ट में भी 5 है, लास्ट में भी 5 है, तो दोनों में क्या चेंज करेंगे देखो, अगर लास्ट इवन है, ठीक है, 5 से बड़ा है ना, सेकंड लास्ट इवन नंबर है, अगर सेकंड लास्ट इवन नंबर है, सेकंड लास्ट ये वाला होगा ना, 5 तो लास्ट वाला है, ये सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट अगर इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये है कि 1.614 ही आएगा, 5 सिग्निफिकेंट नंबर थे उनको हमने 4 में बदला, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें देखो लास्ट, सेकंड लास्ट जो है ऑड नंबर है, तो देयर विल बी चेंज, तो चेंज भी क्या होना है, एक इंक्रीज कर देना है। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1.618 हो जाएगा। क्लियर। मैंने आपको ये बताया है कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो फिर अपने को कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना। तो इवन नंबर अगर आ रहा है 5 से पहले तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, और अगर 5 से पहले ऑड नंबर आ रहा है तो फिर हम उसको एक इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है। तो ये राउंड ऑफ कैसे किया जाता है ये मैंने आपको सिखा दिया, इनको नोट कर लेना, और आपकी बुक्स जो है उसमें इसके एग्जांपल दिए बहुत सारे, वो एग्जांपल आप लोगों ने सॉल्व कर